हमारे एटम इंडिया मैनेजमेंट जिनकी बदौलत हम आज एटमी के अंदर ये सब कुछ कर पा रहे हैं। आप में से मैं अपनी जर्नी को 15 मिनट में बताने वाला हूं और हर इंसान मेरी जर्नी से रिलेट करेगा और मैं ये हर लीडर्स के लिए डिस्कशन करने वाला हूं, चाहे वो लेडीज हैं जेंट्स हैं। आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस कर चुके या बिजनेस कर रहे हैं? मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप बात करेंगे तो मजा आएगा। कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कर चुके हैं, दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं, सब कर चुके हैं संबंधी वगैरह सब? कितने आप ऐसे लोग हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं? मैक्सिमम आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का आपका एक्सपीरियंस रहा है? अभी तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, रहा है, बैकग्राउंड रहा है, मैक्सिमम। अब सारी बातें आप सब लोगों के लिए मैं करने वाला हूं। मेरी एटमी में जर्नी से पहले मैं जर्नी बता देता हूँ। माई एज 31 ईयर और एटमी में आने से पहले मेरा बैकग्राउंड रहा, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो रहा बिजनेस फैमिली का। मेरी और फैमिली लास्ट 45 ईयर से बिजनेस कर रही कपड़े का। हरियाणा के अंदर मेरा जो जन्म वाला गांव है वो हरियाणा से है, लेकिन मैं रहता सीकर राजस्थान काफी साल से। और बिजनेस फैमिली में पैदा होने का एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपकी सोच बहुत बड़ी होती है, राइट या नो? यस, राइट या नो? यस। तो सोच मेरी बचपन से ही बड़ी थी क्योंकि फैमिली ने चीजें वैसी दी थी लाइफ में, कभी लग्जरी लाइफ से कभी नीचे जाने नहीं दिया, जो भी रिक्वायरमेंट थी फुलफिल हुई। जब मैं 2009 के अंदर 10 के अंदर फ्रेश ईयर मैंने राजस्थान में पढ़ने आया, हरियाणा में, हरियाणा रहता था मेरा कॉलेज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन हुआ था। और जब मैं फ्रेश ईयर में था और फ्रेश ईयर में था उस टाइम मुझे कुछ करने का कीड़ा था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, क्योंकि उससे पहले मैं अपने फादर के साथ शॉप पे बैठता था, दुकान पे बैठता था, हमारे पास कपड़े का शोरूम था पापा का, वहीं पर बैठता था और 8 से लेकर 12 तक उनके पास बैठ के मैंने बिजनेस सीखा। उन्होंने लाइफ की जितनी भी चीजें थी मेरे को सिखाई, सब अच्छी अच्छी चीजें सिखाई लाइफ के अंदर, क्या अच्छा है क्या गलत है। 12 साल की उम्र में 12 तक सीख चुका था, अपने लेवल पे एडमिशन लिया, मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की। पढ़ाई करनी जैसे स्टार्ट की तो मैंने देखा मेरे कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बाइक लेके आते, मैंने फादर से बोला मेरे को बाइक दिलाओ, मुझे बाइक चाहिए, मैं बस में नहीं जाऊंगा, मेरा स्टैंड कम होता है। तो फादर ने कहा तेरा लाइसेंस भी नहीं बना है, उस टाइम 18 साल का ही था, एक काम कर पहले इतनी एज हो जाए फिर मैं तेरे को बाइक दिलाता हूँ। तो मैंने जिद के मारे, ऐसा कुछ था कि मेरा एक दोस्त था, मैं आपको बता दूं सन 2010 की बात है, फर्स्ट ईयर के अंदर मैं जब था लास्ट ईयर में, मेरा एक दोस्त मुझे एक मीटिंग में लेके गया, एक इंश्योरेंस की मीटिंग चल रही थी, ऐसे ही पिंक सिटी प्रेस क्लब, नारायण सिंह सर के पे कौन जानता है, पिंक सिटी प्रेस क्लब, आजकल वो उनका बार टेंडर से बना हुआ एक हॉल है जस्ट मॉल के सामने, मेरी जिंदगी की पहली मीटिंग थी। और वहां पर ऐसे में शेड्यूल पे बैठी मीटिंग ले रहा था, मेरे एक्चुअली दाढ़ी मुझ भी नहीं आई थी, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी थी लेकिन थी वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उस कंपनी का नाम था, बताओ या नहीं बताओ? बताओ, TLC, बजाज एलियंस। ओके, मैं वहां बैठा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस कंपनी में, एक चीज मुझे समझ में आई थी, वो लास्ट तक बंदा बता रहा था अगर आप इतनी पॉलिशन सेल कर दोगे तो आपको गाड़ी मिलेगी, क्या मिलेगी? गाड़ी मिलेगी, बस वही समझ में आया अपने, और कुछ समझ में नहीं आया क्या बेचना है, कैसे बेचना है, जाने दो। मैंने कहा भाई करेंगे तो यही करेंगे, और घर वालों से छुप छुप के मैं वो काम करने लगा। तो जैसे 2-3 महीने बाद पापा पता चला, तो आजकल कर क्या रहा, काम बिजी रहता है, मेरे को थोड़ा सा लोगों से बात करना अच्छा लगता था, मेरा एक सिर्फ एक वही क्वालिटी थी और मुझे इंश्योरेंस का कोई नॉलेज नहीं था। और इंश्योरेंस सबसे डिफिकल्ट प्रोडक्ट है, अगर आपको बता दूं मैं, आप कुछ भी बेच सकते हैं, इंश्योरेंस नहीं बेच सकते। और उसी में मैंने मास्टरी करना स्टार्ट किया और धीरे 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 मैं लोगों से बात करना स्टार्ट किया। सैटरडे संडे को हरियाणा जाता था और वहां लोगों से बात करना, पापा तुम तो आजकल हर वीक कैसे आ जाता है, मैंने कहा पापा मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अगर नहीं मारो तो एक बात बताऊं, इंश्योरेंस का बिजनेस है, ऐसे मैं करना चाहता हूं और मुझे करना है, तो जरूरत क्या है आपको, जरूरत क्या है, पैसे मिल रहे हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए, मैंने कहा मेरे को करना है। तो पापा मेरे हमेशा फ्रेंड जैसे थे, जो भी तुम्हें करना कर लो। उस कंपनी में काम किया और 2 साल के अंदर मैं उस कंपनी का सबसे यंग एज का कार अचीव बना, टाटा मांझा 10/43 16 फरवरी को गाड़ी लेके आई कंपनी तरफ से, यंगेस्ट कार कंपनी का नाम है, वारंटी वगैरह मिले। लेकिन ये नहीं पता था कि डायरेक्ट, उस टाइम एक कंडीशन आई थी 2012 लास्ट के अंदर कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंश्योरेंस को ऐड नहीं कर सकते आप, अगर मैं सही हूं तो। और उस टाइम वो मेरी कंपनी बंद हो गई, जैसे फरवरी के अंदर में कार अचीव हुआ, अच्छा खासा पैसा आने लगा और एज वही 20 साल की थी। और जैसे कंपनी बंद हुई मैं बहुत रोया बैठ के, मैंने कहा पढ़ाया भी नहीं ढंग से, बिजनेस भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम मैंने जिंदगी में ठान लिया था मैं जिंदगी में कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। मेरे पास इतनी कंपनियों के लोग आते थे, मैंने कहा भाग जाऊंगा, थप्पड़ मारूंगा, मेरे पास इस तरीके में वर्डिंग यूज करता था। ओके, तो जैसे मेरा 2014 में कॉलेज पूरा, घर पे गया, फैमिली के साथ बिजनेस करने लगा, पापा के साथ
होलसेल का बिजनेस भी किया सारी चीजें की, लेकिन जिंदगी में कुछ और ही लिखा था कि करना अपने को डायरेक्ट सेलिंग ही था। तो बिजनेस में गए और बिजनेस के अंदर पापा के साथ हाथ बटाया। और पाली बालोत्रा कितने लोग जानते हैं राजस्थान में, वहां पर एक छोटी सी फैक्ट्री डाली मैंने कपड़े की और वो फैक्ट्री चली, एक डेढ़ साल अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन एक बिजनेस पार्टनर पे ज्यादा ट्रस्ट करने की वजह से मेरा तकरीबन 35 लाख का लॉस हो गया उसमें। हो गया तो हो गया, चलो कोई इशू नहीं है। पापा ने कहा चलो तुम छोड़ दो फैक्ट्री, तुम एक काम और कर लो। मैं वो काम करने लगा और जैसे वो काम करते करते मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली क्योंकि मेरा जेब होलसेलर था, दिल्ली था, वहां पर मेरा कपड़े का थोड़ा बिजनेस था, मैंने वहां एक पार्टनर पकड़ा है। कम एज के अंदर मैंने सारे काम किए और वहां पर मैंने सोचा एक बिजनेस तो चल नहीं रहा, चलो काम करते हैं। पैसे की कमी थी वहां पर क्योंकि बिजनेस में लॉस था, मैंने एक बिजनेस पार्टनर पकड़ा था। मैंने कहा फिर वहां पर मैंने एक होटल लता रेजिडेंसी के नाम से, आज भी आपको दिख जाएगा अगर आप उस पे जो होटल की एड होती है डालोगे लता रेजिडेंसी के नाम, जो मेरा ही होटल था। मैंने होटल भी लीज पे चलाया, बहुत सारी चीजें की, कुछ पता नहीं था लेकिन करता रहा। सन 2017 के अंदर मेरा एक जो दोस्त था बजाज एलियंस में, वो मेरे पास दिल्ली आया। वो बोला कि अब मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का लीडर हूं, अब अंकित तेरे को काम करना चाहिए। क्यों ऐसे लोगों को ढूंढते ही कोई अच्छा लड़का था कौन काम करने वाला था। उन्होंने मेरे को एक कंपनी में ज्वाइन करवाया, कहो तो नाम बता दू घरवल लाइफ। और उस कंपनी में कहा मेरे को काम नहीं करना है, मेरा फ्रेंड है, मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, कहो तो मैं पार्ट टाइम काम करूंगा। और पार्ट टाइम मैंने वहां पर काम किया। यहाँ पर एक हर्बल लाइफ के हमारे लीडर बैठे हैं सुमन जी, जो वहां पर अच्छे लेवल पे थे लेकिन छोड़ के भी एटमी के अंदर आगे मैडम के लिए लग गई। ओके, मैंने वहां काम करना स्टार्ट किया लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, वहां भी एक अच्छे लेवल पे गया लेकिन मैं कुछ अच्छी सर्चिंग में था क्योंकि बिजनेस में लॉस खा चुका था। और उस दौरान मैंने जिंदगी में पहली बार मजबूरी में एक अच्छे लेवल पे नौकरी भी करी दिल्ली के अंदर पार्ट टाइम। और अच्छे मैं बताऊंगा नहीं, अच्छे लेवल पे कोई कंपनी में नौकरी की। मेरे कहने का मतलब एक ही है कि जिंदगी आपको कहां से कहां लेके जाती है। एटमी को चूज करना मेरी मतलब मजबूरी नहीं थी, मेरी ख्वाहिश थी। मैंने मजबूरी में, और मैं इकलौता शायद ऐसा पहला बंदा हूं जिसने एटमी को चला के ज्वाइन किया है। मुझे किसी थ्रू पहचान मिली थी कि ऐसे ऐसे एटमी कंपनी लॉन्च हो रही है, मैंने चला के ज्वाइन किया और ज्वाइन करके खुद ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। क्योंकि फादर ने एक बात सिखाई थी, जहां लर्निंग है वहां पर धन की शुरुआत है, जहां लर्निंग है वहां अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत है, जहां लर्निंग है वहां अध्यात्म की शुरुआत है, और जहां पर लर्निंग और सर्चिंग है वहां पर समझदार होने की शुरुआत है। अगर आपकी जिंदगी में अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हो और अभी आप कोई भी जो बिजनेस कर रहे हो अगर सर्चिंग नहीं कर रहे हो तो जिंदगी में क्या समझदार होगा उसके लिए आप रहने दो, चमत्कार नहीं होगा। क्योंकि अभी आप जो कर रहे हो बेस्ट नहीं है, अभी आप सोच रहे हो जो कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं वो आपको लगता है, लेकिन आप बाहरी दुनिया में देखोगे तो बेस्ट नहीं है। लाइफ में कभी कुछ भी हो सकता है। बिजनेस का एक्सपीरियंस बताऊं तो लॉट्स ऑफ आपका एक्सपीरियंस ही उसके अंदर, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है सबसे पहले आपका बहुत बड़ा आपका अमाउंट चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए। आज भी घर पे 6 कपड़े के शोरूम है पापा लोगों के, चाचा लोगों के, और कोई भी शोरूम मेरे साथ 1.5-2 करोड़ से नीचे का नहीं है। लेकिन आज से 15 साल पहले से मैं शोरूम पे बैठता था, जो इनकम जितने इन्वेस्टमेंट में थी जो इनकम नहीं है मैं लिखित में दे सकता हूं। सेकेंड, पूरा कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर, मार्केट में दो ही चीजें चलती हैं, या तो ट्रेंडिंग वाली चीजें चलती हैं या मार्केट के अंदर कंपटीशन। कंपटीशन में आप आओगे तो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, या मार्केट से बाहर हो जाओगे सेचुरेशन आ जाएगा। ओके, लेकिन जो पहले कपड़े के हमारे दुकान में करते थे वहां पर बड़े बड़े शोरूम और खुल गए तो बिजनेस डाउन चला गया। मैं आज मेरे अंकल से बात करता हूं, बोलता हूं कि यार जो पहले कमाई थी आज वो कमाई नहीं है, हम इतना पैसा लगा के इसलिए बैठेंगे, हम कुछ और कर नहीं सकते। तो आज भी हम इसलिए बैठे हैं क्यों, अगर उनका इतना बड़ा कपड़े का शोरूम तो बच्चों को क्यों पढ़ाई करवा रहे हैं, क्यों नौकरी करवा रहे हैं, बिजनेस में बढ़ाई रखे ना। तो बिजनेस में कंपटीशन बहुत खतरनाक आ गया है, और साथ में आपको पूरा लीगली डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीजें आज के दिन मेंटेन करना पड़ता है, जीएसटी ये सब कुछ है। जिस दिन दुकान नहीं खोलोगे पैसा नहीं आएगा, माल एंड हो जाता है। मुझे पता कितना माल एंड होता है, हर साल जब हम दीपावली पे निकालते थे स्टॉक कपड़े का तो बहुत सारा माल एंड होता था, बहुत सारा स्टाफ मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारा रिस्क होता है। तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री में आप सोच रहे हो कि आप सक्सेस हो जाओगे तो उसमें भी सक्सेस के बहुत कम चांसेस है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जॉब में जाते हो कितने लोग जॉब के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं। आज मैं जहां पर रहता हूं 3 लाख बच्चे हर साल गुरु कृपा के अंदर या बहुत बड़ी संस्था के अंदर नीट की तैयारी करने के लिए आते हैं। 2% बच्चों का डॉक्टर में सिलेक्शन नहीं होता, वहां भी लोग पढ़ते ही ना। जॉब का बताता हूँ, जॉब करोगे तो जिंदगी के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए मैंने अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया। और एटमी बाय लक नहीं मिली है, ये कहीं ना कहीं पूरे जन्म के अच्छे कर्म किए थे कि मुझे एटमी मिलना स्टार्ट हुआ, और एटमी मुझे मिला। और जैसे एटमी मिला मैंने शिद्दत से काम करना स्टार्ट किया। एक साल कोविड में थी और कोविड के अंदर हमने काम किया,
और मैं थैंक यू मैनेजमेंट को बोलना चाहूंगा, इन्होंने बहुत हेल्प की कोविड के अंदर भी। हम सेंट्रल लीडर थे, पूरी टेक सेंट्रल लीडर से इन्होंने हेल्प की। मैं दिल से बात करना चाहूंगा, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताता हूँ, दो तीन कंपनी में काम किया है। एटमी जैसी कंपनी और एटमी जैसा मैनेजमेंट वर्ल्ड में नहीं है। क्लबिंग का अगर कोई भी, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं जिस कंपनी में काम किया हर्बललाइफ, उनके बड़े बड़े लेवल के प्रेसिडेंट लेवल के टीम के लोगों को हीमोन खिलाता हूं। खिला सकते हो आप? वो अपनी कंपनी का हेल्थ सप्लीमेंट छोड़ के मेरे से खाते हैं, और नाम बता दूंगा, जयपुर में रहते, करदनी के अंदर। तो कहने का मतलब क्या कि आपके पास जो चीज है उसका वैल्यू पता होना चाहिए। एटमी अगर आप कर रहे हो तो एटमी क्यों कर रहे हो, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आज तक मार्केट के अंदर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जाओगे तो वहां लोगों को सिर्फ सेल्समैन बनाया जाता है, न कि कंज्यूमर। और आप और हम लोग भी एमबी करके नहीं आए, छोड़ के अपने विकास पाठक जी जैसे सब लोग एमबी करके थोड़ी आए। तो वहां पर लोगों को सेल्समैन बनाया जाता है, नहीं कि लोगों को यूजर बनाया जाता है। एटमी कल्चर डिफरेंट है, या लोगों को यूजर बनाया जाता है, उसके बाद में लोग खुश होते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक चीज समझी एटमी से आने से, एटमी में क्यों आया हूं बता देता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। अगर आज आप सक्सेस होना चाहते हो तो सक्सेस होने का एक ही रीजन है कि ट्रेंड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो। एटमी हम लोग नहीं करते तो एटमी चलती नहीं, चलती कि नहीं चलती। एटमी थोड़ी प्रूड बिजनेस है ना, प्रूव है, यहां पर लाखों लोग सक्सेस है इंटरनेशनल लेवल पे, एटमी इंडिया में तो नहीं है। वैसे तो सक्सेस लोग हैं, पर बहुत सारी जर्नी जिनको देखे मोटिवेट हुए काम कर रहे हैं। मैं एक ही चीज जानता हूं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में, कि जो चीज ट्रेंडिंग हो उसको पकड़ लो। अगर आपको बड़ा इंसान बनना है, अगर आप सेलिब्रिटी बन गए हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन हो या कोई बॉलीवुड एक्टर हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, देन डेफिनेटली आप अपना मुझसे, अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हो फिर आपको एटमी करना चाहिए। और जो इंसान, मैं बता देता हूं, जो इंसान के कैरियर में स्टार्टिंग में एजुकेशन टाइम पे एटमी मिल जाती है ना, उससे बड़ा कोई लकी इंसान नहीं है। उसकी पूरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि उसके सातों पीढ़ियां उसको दुआएं देंगी। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ट्रेंडिंग क्या होता है, कि आप जिस चीज अभी एट प्रेजेंट टाइम भारत के अंदर क्या ट्रेंड कर रहा है, आप कभी सर्चिंग करते हैं? नहीं करते। हर चीज का एक ट्रेंड होता है, और दुनिया में जितने भी पैसे वाले लोग हैं कभी भी आप देख लेना, सब वो उसी जगह सक्सेस हुए हैं जहां पर उन्होंने उस ट्रेंड वाले बिजनेस को पकड़ा। 1950 के अंदर भारत आजाद हुआ था, 1947 के अंदर बहुत सारी चीजों का ट्रेंड आया था, उसमें से ट्रेंड था प्लास्टिक का, 1950 टू 1960 के बीच में। और गवर्नमेंट ने बोला कि भारत में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, कोई ऐसा बिजनेस लेके आओ कि जो भारत की आर्थिक व्यवस्था को सही कर सकता है। उस टाइम में बड़े बड़े जो बिजनेस जो विशेषज्ञ थे उन्होंने नॉलेज दिया, बताया कि प्लास्टिक का बिजनेस आप इंडिया में कर सकते हो, ये बिजनेस लोगों की आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकता है। तो उस टाइम प्लास्टिक 1950 के बीच में ट्रेंडिंग में आया, और प्लास्टिक चीजें इंडिया में बननी स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे जीडीपी बढ़ी। और उस टाइम जिसने प्लास्टिक का बिजनेस किया होगा तो क्या किस किस लेवल पे होगा, इमेजिन करो किस लेवल पे होगा। आज आप हम कर सकते हो, आज नहीं कर सकते, बिकॉज आज हम कॉम्पिटिशन से बाहर है। 1970 के अंदर जब लोगों को रोजगार मिला, बिजनेस बढ़ा प्लास्टिक का, तो उस टाइम ट्रेवलिंग का बिजनेस बढ़ा, लोगों को गाड़ी थी, एक शहर से दूसरे शहर जाने जाने के लिए गांव में लोग रहते थे। तो उस टाइम जिसने ट्रेवलिंग इंडस्ट्री में अपना बिजनेस डाला, तो आज उनके पास 200-300-500 बसें ट्रकें हैं। अगर आज हम ट्रेवलिंग इंडस्ट्री में जाएंगे पैसा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। गाड़ियां ज्यादा हुई तो ऑयल का बिजनेस बढ़ा, जिसने उस टाइम पेट्रोल पंप किया था आज उसके पास बहुत सारे पेट्रोल पंप है। अगर आज हम कर सकते हैं, इजी है? नहीं है। उसके बाद में बिजनेस बढ़ा कंप्यूटर का, लोग बोले कंप्यूटर का बिजनेस आ गया, मार्केट खराब कर देगा, लोगों की नौकरियां छीन लेगा। लेकिन जिस टाइम जो कंप्यूटर की इंडस्ट्री में, जिसने कंप्यूटर की लाइन में काम करना स्टार्ट किया, जिसने उस कंप्यूटर का एक पार्ट ही बनाया, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जिसने जो जो कंपनी खोली वो बड़ी कंपनी बन चुकी है। उसके बाद जो ट्रेंड आया 1990 में टेलीकॉम का, BSNL कितने लोग जानते हैं? आपका अपना BSNL सब लोग जानते हैं। एक पहले वो ब्लू येलो कलर का एक बॉक्स होता था, जिसमें एक रुपए डाल के बात करते थे, लाइन लगाए खड़े रहते थे, जानते हो? जितनी भी कंपनी उस टाइम में आई थी वही लोग, वही कंपनी ग्रो कर रही है। आज कोई नई कंपनी ग्रो कर रही है? हर कोई अंबानी की तरह जियो तरफ डाटा तो नहीं दे सकता, दे सकता है? उसके बाद में जो बिजनेस मूव किया वो क्या, इंटरनेट का। कितने लोग इंटरनेट चलाते हैं? और इंटरनेट में भी वो ही कंपनी वो ही आगे बढ़ा जिन्होंने सबसे पहले फास्ट न्यूज देना स्टार्ट किया, जो आज तक है, जो जी न्यूज है, जी NDTV है, कोई भी यूट्यूबर है। प्रिंस कितने लोग जानते हैं? एक लड़का गड्ढे में गिरा था,
सब लोग जानते हैं, क्यों जानते हो? क्योंकि उस टाइम वो गड्ढे में गिरा था, सबसे पहले कवरेज डाली थी सबने, कवरेज एक लड़का गड्ढे में गिर गया है, ऐसे से गिर गया, सब लोगों ने उसको देखना स्टार्ट किया। और आज भी हमें वो याद है, सबसे पहले जिसने फास्ट न्यूज, इंटरनेट का इस मकसद था कि जो सबसे पहले न्यूज देगा, इंफॉर्मेशन देगा, वही पैसा कमाएगा। समझ में है? और आज भी यही है, इतने सारे न्यूज चैनल है, जो न्यूज चैनल पहले इंफॉर्मेशन देगा वही टीआरपी पे उसी का पैसा जा रहा है। क्लियर है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो बिजनेस ट्रेंडिंग में जो आया उसका पैसा कमाया, देन नाउ अभी जो बिजनेस ट्रेंडिंग में है वो ई कॉमर्स और डाइट सेलिंग का क्लबिंग कर सकते हैं आप। शायद आप 15-20 साल बाद में अगर डाइट सेलिंग इंडस्ट्री को इस इंडस्ट्री को सर्च करोगे तो उस टाइम भी कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल का हो चुका होगा। हर चीज को एआई कवर कर सकता है लेकिन डाइट सेलिंग को नहीं कर सकता। यहां तो लोगों की जरूरत पड़ने ही वाली है। बस ये चीज क्लियर थी कि मुझे बिजनेस क्यों करना है, वाई क्लियर था कि अभी जो टाइम है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का है और किसका है, डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी दुनिया की जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एटमी, ये मिल जाए तो लाइफ में क्या नहीं है। एटमी के बारे में बताने में और कुछ बता सकता हूँ लेकिन एटमी मैंने काम कैसे किया वो बताना इंपॉर्टेंट है। यस या नो? एटमी में जब मैं आया तो मुझे पता चला कि मार्केटिंग तो मुझे आती थी, सेल्स भी करना आता था, सब चीजें करनी आती थी। मुझे एक चीज समझ में आई थी कि एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले। मार्केट में कभी भी कोई इंसान आपसे 2 रुपए का प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा अगर आपके पास में रिजल्ट्स नहीं है तो। एग्री? आप मेरे को कोई खरीदना नहीं पसंद नहीं करता। आप मेरे को सब वास्तु जी मेरे को प्रोडक्ट बेचो, मुझे खरीदना नहीं है, कोई इंसान खरीदना पसंद नहीं करता। मार्केट में हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिकता है। और मैंने अलग अलग डाइट सेलिंग कंपनी करके देखी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करके देखी थी, तो मुझे एक ही पता था वहां पर 5500 रुपए से लेके टर्म प्लान से लेके हम जब 50,000 की पॉलिसी उस टाइम पे बेचते थे, मुझे पता था कि बिक तो कुछ भी सकता है। एमडी सर कह रहे थे प्रोडक्ट्स महंगा है। हाँ महंगा है लेकिन उसकी क्वालिटी भी देता है, और जब जहां पर क्वालिटी आती है वहां पैसा मैटर नहीं करता। आप मुझे दो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट ही नहीं, मैं 500 रुपए में भी नहीं लूंगा आपसे। तो मुझे एक चीज समझ में आई थी कि एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं या नहीं, कितने लोग यूज करते हैं। मैंने सेल्फ रिजल्ट दिया है। और सबसे पहले बिजनेस करने की एक कंडीशन है, यूज द प्रोडक्ट। अगर आप यूज करोगे तो ही लोगों को चैलेंज बोल सकते, भाई साहब ये प्रोडक्ट्स एक नंबर पे, इसको यूज करो, मैं बताता हूँ क्या फायदा है इसका। कर सकते नहीं कर सकते? मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं मार्केट में जाके अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठने वाला हूँ, तो अगर मेरे प्रोडक्ट्स में अगर वैल्यू नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, अगर कंपनी का प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा तो मुझे वो 2 मिनट के अंदर किक मार के बाहर भगा देगा। यस या नो? आप दोबारा जा सकते हो, रिलेशन खराब होंगे या नहीं होंगे। मुझे ये समझ में आ गई थी कि एटमी से बेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, अपने को तो चाहिए था मिल गया, सेल्स के तो वैसे माहिर है, बेच लेंगे थोड़ा सा जैसे करके। वैसे भी तो जिंदगी में हर इंसान बेचता ही ना, जो वाला अपना समय बेचते हैं और बिजनेस वाला अपना टाइम समय पैसा सब कुछ बेचते हैं। आपका बिजनेस देख लो, उसका रेशो निकाल लो, आपने 1 करोड़ पर लगाया उसका मुझे ब्याज निकाल दिखा दो, उसका 2% कमा रहे हो, ब्याज कमा रहे हो। कैलकुलेशन बहुत सीधी सिंपल सी है। हम बिजनेस इसलिए करते हैं, आज इन्वेस्टमेंट लगा के बिजनेस करने का दौर नहीं है, आज जो रास्ता बनाया है उसमें चलने का दौर है, ट्रेंडिंग में चलने का दौर है। ट्रेंडिंग क्या बोलता है कि एटमी बिजनेस करो, दुनिया के सबसे बेहतरीन। आज लोगों को अच्छा, कोविड के अंदर कितने, कोविड से पहले कितने लोग जो घर बैठ के शॉपिंग करते थे, नहीं करते थे ना, कोविड में करना सीख गए ना। आवश्यकता भी सारी जरूरी है, जस्ट लाइक 1 दिन पूरा ट्रैफिक एटमी पे भी आ जाएगा, ज्यादा नहीं तो 10 साल में आ जाएगा। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, आप कोई भी कंपनी लगा लो, एमवे सर बता रहे थे, हर्बल लाइफ, इन कंपनियों ने एक दिन बिजनेस सेटअप नहीं किया, इनको सेटअप करने में 10-20 साल लग गए, आज तक इनका बिजनेस सेटअप हुआ है। एटमी ऐसी पहली कंपनी जो कम टाइम के अंदर तकरीबन 90+ प्रोडक्ट्स ले गई है। आप मुझे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बता दो जिससे 10 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी इंडिया में स्टार्ट हुई, अभी जाकर उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स आए। हम हमारे मैनेजमेंट को जितना थैंक यू बोला बोल सकते हैं, जितने हमारे लिए करते हैं, रियली बोल रहा हूं आपको। आपको खुद यकीन नहीं कि आप जाने अनजाने में किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप किस कंपनी के अंदर आ गए। आपका खुद का नहीं, आपकी 3rd जनरेशन का भविष्य बन चुका है, और ये मानिए आप, बाकी तो काम करना आपके हाथ में। क्या करना बाकी है? काम करना आपके, छोटा है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बड़ा हो जाएगा। आपकी मर्सिडीज की फाइस में आपको ऑल्टो चाबी दे रहा हूं, तो ऑल्टो को अच्छे से चलाओ ना, उसको बदतमीजी से चलाओगे, गंदे तरीके से चलाओगे तो क्या होगा, एक्सटेंड कर जाएगी। तो जो परमात्मा आपको मर्सिडीज दे सकता है, ऑल्टो दे सकता है, मर्सिडीज भी दे सकता है ना। तो आज छोटा हो तो क्या, कल बिजनेस बड़ा भी तो होगा, तो आज ऑल्टो चलाने की प्रैक्टिस कर लो, मर्सिडीज भी आसान हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड?
एटमिंग करने के लिए मैंने एक ही चीज समझी थी, जब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे जाके उन लोगों को सर्च करना है जो जिनको रियल बिजनेस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। और यहां पर उल्टा क्या हो रहा पता है, लोगों को ज्वाइन करो, आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ, जो डायरेक्ट सेलिंग में होता है, चेप दो इसको भी, चेप दो उसको भी, चेप दो। भाई चेपने का काम नहीं है, सॉरी वर्डिंग गलत यूज कर रहा हूं, ये लोगों का बदलाव, जिंदगी बदलाव करने का बिजनेस। समझ में आया? आप जब भी किसी पास बैठते हो तो आपका इंटेंशन क्या है, उसको सिर्फ बेच के पीवी करना है या उसको जिंदगी, उसकी जिंदगी बदलाव लेके आना चाहिए, हेल्थ से लेके आओ चाहे वेल्थ से लेके आओ। मेरे एक क्लियर फंडा था, जो पास बैठेगा कोई इश्यू नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आज इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, इंडिया के अंदर अच्छे से पॉलिटिशियंस, इवन बॉलीवुड के अंदर भी, मैं किसी को बताता नहीं, बॉलीवुड के अंदर भी जाके आया मैं लोगों को कोर्स लेके आया, किस लिए, सिर्फ रिलेशंस की वजह से। रिलेशंस क्रिएट करो, कभी भी सर ने बहुत सारी चीजें अप्लाई करने पर डिपेंड मत करो, इट्स योर बिजनेस, आपको सक्सेस होना है। अप्लाई करने में बिजनेस दे दिया, थैंक यू बोलो, जो यहाँ आपको एटमी मीटिंग में हॉल में लेके आया ना उसको थैंक यू बोलो कि आपने बिजनेस दिया, थैंक यू सो मच, आगे मैं देख लूंगा, 7 दिन का टाइम देता हूँ, मेरे को बिजनेस सिखा दो, आई एम द बॉस, मैं कल मुझे भी करने वाला हूँ। मैंने उन लोगों को सर्च करना स्टार्ट किया, अभी भी मैं उसमें पूरा कामयाब नहीं हुआ, मैं रियल बता रहा हूँ, उन लोगों को सर्च करना स्टार्ट किया जिनको रियल में एटमी कोर्स की रिक्वायरमेंट है और जिनको रियल में एटमी बिजनेस की जरूरत है। आप मार्केट में खड़े होकर 500 का नोट रोड पे बांटोगे तो इंसान 500 का नोट नहीं लेगा, पता नहीं 2 नंबर का चीटिंग का क्या लेगा, लेगा क्या? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हर इंसान आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा? क्वालिटी में से लोगों पर काम करना स्टार्ट करो, सर्चिंग करना स्टार्ट करो कि रियल में कौन इंसान बिजनेस माइंडेड इंसान है, कौन इंसान आपके साथ में बिजनेस कर सकता है, कौन आपका कंज्यूमर बन सकता है, और उन लोगों को साथ में ले जाओ जिनके पास ऑलरेडी कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर्स का बिजनेस है, सेल्स का बिजनेस है। जब तक सेल लेने के लिए पीवी नहीं आएगा, बिजनेस नहीं आएगा। और बिजनेस किससे मिलता है, पैसा किससे मिलता है, पीवी से, समझ रहे हो? और पीवी कहां से आएगा, प्रोडक्ट से आएगा। प्रोडक्ट आप यूज करोगे नहीं, लोगों को यूज नहीं करोगे, सिर्फ आइडिया लगाओगे तो बिजनेस चलेगा आपका, नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप उन लोगों को सिलेक्ट करना स्टार्ट करो जिनको रियल में एटमी के प्रोडक्ट्स की जरूरत है। ऐसे किसी को एटमी मत बताओ, आपके पास में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसको ऐसे मत चलाओ भाई कहीं भी, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मैं तो एटीट्यूड से लोगों को प्रोडक्ट देता हूं, वैसे मैं किसी को देता ही नहीं हूं भाई, ऐसे नहीं एटमी के प्रोडक्ट्स ऐसे काम मिलेंगे भाई, मैं बहुत एटीट्यूड से काम करता हूं, किसी को बुरा लग सकता है। लेकिन जब आपके पास में जब इतनी बेहतरीन चीज है, सर ने पता है घास फूस बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं इंडिया के अंदर, हजारों कंपनियां खुलती है, हजारों कंपनियां बंद होती है, लोगों को पता नहीं कंपनी कब बंद हो जाएगी, कब कैरियर खत्म हो जाएगा, लोग फिर मोटिवेट होने लगे पड़े हैं, यस 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 मोटिवेट होकर लगे हुए, प्रैक्टिकली कोई काम कर ही नहीं रहा। और पूरा सीनेरियो सिर्फ एटमी का, मैंने एक चीज देखी है कि इसका जो कल्चर है डिफरेंट डाइट सेलिंग से, बिकॉज हमारा कॉम्पिटिशन डाइट सेलिंग कंपनी से है नहीं, इसलिए हमारा उनसे कल्चर भी सबसे डिफरेंट है और बहुत प्योर कल्चर है, इसलिए मैं एटमी में काम कर रहा हूं। ऑनेस्टली बता रहा हूं, एमडी सर आप लोगों साथ में कैसे मिल रहे हैं? ऐसे किसी कंपनी का अगर कोई बड़ा लेवल का बंदा होता ना, पास में बैठता, वो 3-4 तो बाउंसर लेके आता, फिर स्टेज पे आता, समझ रहे हो? बिल्कुल फैक्ट होता, फैक्ट ही है। आज कंपनी के इतने बड़े पर्सन, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आपके साथ में ऐसे बैठते हैं जैसे आपके घर के पर्सन है, और फिर भी अगर हम काम नहीं करें तो हमसे जैसे हमको इंसान नहीं, जो आपको खुद रियलाइज करवाना कि काम करो, आप लोगों के साथ में हूं, मैं आप लोगों के साथ में खड़ा हूं, एक कंपनी का एमडी बोल रहे हैं तो फिर सोचना क्या है, समझ में आया? तो उन लोगों को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दो जो लोग जिंदगी में वास्तव में कुछ बनना चाहते हैं, उन लोगों को छोड़ दो जो आपकी जिंदगी में बाधा बन के खड़े हैं। अभी का मिट्टी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कल करूंगा, आज करूंगा, परसों करूंगा, नहीं तो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, नहीं काम करते हैं, नहीं ट्रेनिंग में आते हैं, अपवाद करते हैं, लेट दम फ्री, फ्री कर दो, फ्री पकड़ना ही नहीं आगे, और उन लोगों पे काम करो जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, बिकॉज आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, और जो लोग बनना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो बनना नहीं चाहते उनका आपकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। एक ही अपना सिद्धांत है, आगे बढ़ना है, इंपिल मास्टर बनना है तो राइट चॉइस पे काम करना स्टार्ट कर दो, क्वालिटी बेस पे काम करना स्टार्ट कर दो, आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच।